क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखकर इसे सीखना चाहेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और बीच में कहीं भी ना रुकें, पहले इसे समझें उसके बाद में ही इसको आप अपनी कॉपी पर लिखें। तो पहले हम इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 - स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमें ऐसे ही लिखना है, 8 - 4 - कर्ली ब्रैकेट। अब ये ऑफ आ गया है, मैंने अभी बताया था जिस क्वेश्चन में भी ऑफ आएगा तो सबसे पहले उसे ही हम सोल्व करेंगे, और ऑफ की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो 16 - 3 - 39 - अब ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब आप 10 - 8 - 4 - कर्ली ब्रैकेट, अब 16 3 जा अभी नहीं करेंगे, तो 16 3 जा हम ऐसे ही रहने देंगे, -39, अब ये माइनस की ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा और 3 लिखेंगे। फिर हम 10 - स्क्वायर ब्रैकेट 8 - 4 - कर्ली ब्रैकेट, अब हमारे डिवाइड हो गया है, ऑफ भी हट गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 = 48, और माइनस, अब ये 39 दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो 39 और -3 ये दोनों हमारे हो जाएंगे 42, माइनस के ये 42 हो जाएंगे। अब ये 10 - 8 - 4 - अब ये 48 में से 46 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब 10 - अब आप ध्यान इसमें भी ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट को हटाने से पहले माइनस के दो नंबर हैं, एक -4 - 6, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 10, और 10 - अब इन दोनों में जब डिफरेंस निकलेगा तो माइनस के 2 आएगा। अब हम यहां 10 लिखेंगे और माइनस फिर हमारा प्लस हो जाएगा, वही हमारा 2, और 10 + 2 कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बच्चे इसको ध्यान से बार बार देखें और करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये ब्रैकेट में है, साथ साथ इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, ब्रैकेट तो है ही मिक्स फ्रैक्शन भी है, तो हम पहले सभी के अंदर जो मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं उन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, और सबसे अंदर का जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट है उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करेंगे देखते करेंगे सभी भैया बहन, 2 6 = 12 + 1 = 13 - 2 माइनस हमारा कर्ली ब्रैकेट 2 7 = 14 + 1 = 15 / 2 माइनस, और ये हमारे राउंड ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे 1 / 1/2, तो हम डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 माइनस 1/2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 square bracket close। अब आपका फिर स्क्वायर ब्रैकेट 13/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15/2 माइनस, और ये हमारा जो 2 1 = 2 हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 13/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15/2 माइनस, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेकर हमारा 2 एलसीएम आएगा
और टू के इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फोर माइनस वन वन अपॉन थ्री। देखिए क्वेश्चन एक एक स्टेप हमें ओपन करना है, एक एक स्टेप ओपन करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आता है। तो 15 अपॉन टू और 4 माइनस वन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3 अपॉन टू और ये प्लस 1 अपॉन थ्री। और ये बुक में इसके अंदर एक मिस्टेक दी गई है कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट था और कर्ली ब्रैकेट के बाद में इस साइड में इसका कहीं भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर बुक में ही कर्ली ब्रैकेट नहीं है ये। अब इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट को हम पूरा सोल्व करेंगे। 13 अपॉन 2 माइनस, अभी आप ध्यान से इसे सिंपल अपना माइनस कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम हमारा इनका 2 आएगा, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 2 और ये कर्ली ब्रैकेट हमारा हट गया और प्लस 1 अपॉन 3। 13 माइनस 12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 3। अब हम इनका आसानी से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा 2 3 जा 6 और 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 3 प्लस 2 हमारा आ जाएगा 5 और 5 अपॉन 6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सभी भैया बहनों को ये वीडियो ध्यान से देखकर अपना कार्य पूरा करना है और इस क्वेश्चन को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।